नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल कप्तानगंज आजमगढ़, एडमिशन जारी। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा चलाए गए योजना के तहत आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर के उप जिलाधिकारी दिनेश मिश्रा एवं क्षेत्राधिकारी शीतला प्रसाद पांडे के नेतृत्व में ग्राम सभा मध्यापार में शहीद उपवन का शुभारंभ किया गया। उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा एवं क्षेत्राधिकारी शीतला प्रसाद पांडे ने अमर शहीद भगवती सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उनकी याद में मध्यापार क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। अमर शहीद भगवती सिंह की इकलौती पुत्री सुदामा देवी के पति डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि सन 1962 में भारत चीन के युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए 29 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। उन्होंने चीन के कई सैनिकों को मार गिराया। शहीद भगवती सिंह की पत्नी ललिता देवी ने बताया कि मेरे पति ने देश का नाम रोशन किया है जिस पर मुझे गर्व है। उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा ने बताया कि हमारे जवान बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं और अमर शहीद भगवती सिंह जैसा जवान जो कि भारत माता की शान के लिए अपनी जान गंवा देता है, ऐसे शहीद को हमारा शत शत नमन है। इस मौके पर प्रधान समीर सिंह, विपिन सिंह, राकेश सिंह, गिरिजेश यादव, जगदम्बा प्रसाद मिश्र इत्यादि लोग मौजूद रहे। अमर शहीद भगवती सिंह की यादगार में सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत जिला अधिकारी के नेतृत्व में ग्राम सभा मदियापार में शहीद उपवन का शुभारंभ किया गया है, जो ग्राम प्रधान द्वारा, ब्लॉक द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा, विभाग के समस्त कर्मचारियों द्वारा इसमें अथक प्रयास किया गया है। आज का यह वृक्षारोपण एक महाकुंभ के रूप में है। या अमर शहीद भगवती सिंह 1962 में 21 नवंबर 1962 को चाइना युद्ध करते हुए, कई चाइनीजों को मारते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना अंतिम बलिदान दिया है। इनके कितने यादगार में कितने लड़के हैं? इनके लड़के, इनके पास केवल एक पुत्री है जिनका नाम सुदामा देवी है, जिनकी शादी हमसे डॉक्टर राजेंद्र सिंह से हुई है। इनके पास 3 नाती और 1 पोती है। बड़े नाती का नाम राकेश कुमार है, दूसरे का नाम राजेश कुमार है, तीसरे का नाम आलोक कुमार सिंह है। हम सहमत शहीद परिवार सरकार की इस योजना को पा करके बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि इस तरह के लोग, इन महापुरुषों को जो याद किए हैं वो धन्य हैं। जय हिंद, जय भारत। अगस्त क्रांति के महीने में आज पूरा देश उन शहीदों को नमन कर रहा है जिनके बलिदान, जिनके त्याग, जिनके प्राणों की निछावर से ये देश में आज़ादी की रूप मिला है। उसी कार्यक्रम के तहत मदियापार बाजार में, जैसा बाबू राजेंद्र सिंह ने बताया कि भगवती सिंह ने 1962 के युद्ध में इस देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, सत सत बार उस महान शहीद को नमन है। और इस इलाके, इस क्षेत्र की जनता को इस बात के लिए गौरव है कि इस क्षेत्र में एक ऐसा बहादुर बेटा पैदा हुए थे, एक ऐसे लाल थे जिन्होंने 1962 के युद्ध में चाइना को ललकारते हुए, तमाम चाइनीज को मौत के घाट उतारते हुए अपने प्राणों की न्यौछावर दे दिए थे। आज उन पर ये देश और प्रदेश गर्व कर रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा उसी कार्यक्रम के तहत आज जो शहीद उपवन की योजना पूरे प्रदेश में चलाई गई है, उन शहीदों के प्रति ये सम्मान है। अब आजमगढ़ के जिलाधिकारी द्वारा
या अन्य जो ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं सारे लोग इस कार्यक्रम में आए, सबको बधाई देते हुए इस इलाके की जनता को ये पेड़ा के रूप में हमें याद है, क्योंकि इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भगवती सिंह को सत सत बार प्रणाम है, नमन है। ऐसे बहादुर पर जय हिंद, जय भारत। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।